भारी संख्या में प्रेस मतलब पत्रकारों को आपने आमंत्रित किया है सर, क्या प्रयोजन है यहाँ पर आने का सर? दरअसल यहाँ पे बस्ती में सहायक सूचना निदेशक प्रभाकर तिवारी जब से आए हैं तब से उनका देखा जाता है कि चाहे प्रेस वार्ता हो चाहे प्रेस वास हो, वो हर समय दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए कुछ ऐसा चाहते हैं कि कुछ उनके सेलेक्टेड पत्रकार प्रशासन की खबर को अपडेट करें, उनकी प्रेस वार्ता में आए, और ऐसा लगता है कि उनकी मंशा है कि जो उनकी चापलूसी करे, जो उनके पीछे चले, वो उन्हीं को बुलाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर RNI ने हम लोगों को रजिस्टर्ड किया है या हमारी वेबसाइट है, हमारा मुख्य उद्देश्य है जनता की आवाज़ को उठाना, प्रशासन की बात को जनता में पहुँचाना। अगर हम इस रोल को बखूबी निभा रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब वो पास जारी करते हैं तो वो कहते हैं कि साप्ताहिक को पास जारी नहीं होगा, वेबसाइट को पास जारी नहीं होगा, चैनल में भी, यहाँ तक अभी मोदी जी के कार्यक्रम में चैनल में भी पास वो नहीं दे रहे थे, कह सिर्फ मान्यता देंगे। हमारी ये मांग है कि अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया है, अगर कोई उनके पास ऐसा जियो है, तो वो उसको हम लोगों के सामने रखें, जिससे आए दिन ये विवाद ना हो और हमारे पत्रकार साथी आक्रोशित ना हो। अभी देखा गया कि कल मतगणना के समय कुछ लोगों को पास दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया, उनका एक क्राइटेरिया निश्चित नहीं था। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो कहा गया कि आप लोग नहीं आ सकते, आप अकेले चले आइए। भाई हम कहते हैं अकेले चले आने पे आप हमको चाहे पदाधिकारी की वजह से चाहे पत्रकार की वजह से, मैं बताना चाहूँगा मैं प्रेस क्लब उपाध्यक्ष भी हूँ और एक संपादक मंडल का संगठन है समाचार पत्र एवं पत्रकार एसोसिएशन, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। वो चाहे किस अरुणेश सिर्फ आ जाए, हमने कहा नहीं, हमारा इशू नहीं है, हमारे पत्रकार साथियों का इशू है, और जब तक हमारे वहाँ पे मौजूद सारे पत्रकार अंदर नहीं जाएंगे मैं अंदर नहीं आऊँगा। फिर उन्होंने अपने सहायक को भेजा अश्विनी तिवारी को और कहा कि आप अंदर आ जाइए, हमने वहाँ पे इनकार कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ के आईना बस्ती के संपादक राज प्रकाश जी को पास नहीं दिया गया, जबकि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, सक्रियता से पत्रकारिता करते हैं। हम कह रहे हैं अगर दूसरे अखबार के लोगों को जारी हो सकता है तो राज प्रकाश को क्यों नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे ऐसा होता है और हमारे बीच से ही लोग इस आवाज़ को नहीं उठाते। कुछ पत्रकारों ने आरोप भी लगाया कि ये पैसा लेकर पास जारी किया और कुछ कोर्सों का जारी किए, कुछ लोगों को चिन्हित करके नहीं जारी किया। अगर ऐसा है तो उसकी जाँच होनी चाहिए, उसकी जाँच की मांग हम खुद भी करते हैं। ये बात अगर उठती है तो कहा जाता है कि धुआं ऐसे नहीं उठता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ होगा, ऐसा संभावना भी है, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया जो ये अपनाते हैं, अंतर करते हैं एक दूसरे में, हो सकता है इस भी कारण हो उसमें। वो इस चीज़ को हम लोग बस ये चाहते हैं कि वो इस क्राइटेरिया निर्धारित कर दें, जिससे हमारे पत्रकार साथी केवल अपना वर्क करें, उनको आए दिन इस बात को लेकर गुस्सा ना हो या उस कार्यक्रम के कवरेज में दिक्कत ना हो, प्रशासन की प्रेस वार्ता में वो सम्मिलित हो सके, उनको मालूम रहेगा कि वो उस लायक नहीं है तो वो खुद ही नहीं इस बात को उठाएंगे।